उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में रूरल इंजीनियरिंग सर्विस के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा यहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिससे परेशान होकर अब खुद खेल विभाग के अधिकारी रूरल इंजीनियरिंग सर्विस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रूरल इंजीनियरिंग सर्विस के जरिए साल 2014 में नरेंद्र नगर में खेल विभाग में 3 सेट मैट लकड़ी से बने बैडमिंटन कोर्ट का पुनर्निर्माण कराया गया था, जो कि महज 3 साल में जर्जर हालत में आ गया। छत टपकने की वजह से लाखों का सामान सड़ने लगा है। जिलाधिकारी टिहरी ने पूरे मामले में जांच भी बैठाई है और रूरल इंजीनियरिंग सर्विस को बैडमिंटन कोर्ट को सही करने के आदेश दिए हैं। लेकिन विभाग के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही। खेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डीएम के जांच और पुनर्निर्माण के आदेश के बाद कई बार संबंधित अधिकारियों से इस मामले में बात की गई, लेकिन विभाग के अधिकारी टालम टोल में लगे रहते हैं। बैडमिंटन के लिए तो मैंने 2014 में इसका एस्टीमेट बनाया था, आरएस उन्होंने एस्टीमेट दिया था, इसका कार्य भी किया। इसमें कार्य के लिए मैटिंग लगवाई थी, सिंथेटिक कोर्ट, हवा कोर्ट, और इसकी 3 सेट जो है ऊपर से चेंज कराई थी। तो चेंज इसलिए कराई थी, वो भी 2 सेट थी, परंतु पानी तो नहीं टपक रहा था। तो वो जब से इन्होंने चेंज की तब से पानी टपक रहा। पानी टपकने से इसकी जो मैट है और नीचे से दीमक लगी हुई लकड़ियों में और उससे मैट भी ख़राब हुआ है, और उस पानी टपकने के लिए इसमें जांच भी हमारे जिलाधिकारी महोदय टी अग्रवाल के द्वारा करवाई गई है। वहीं रूरल इंजीनियरिंग सर्विस के लापरवाही की वजह से खेल विभाग की हालत दयनीय होती जा रही है। देखना ये होगा आखिर कब तक विभाग की नींद खुलती है और लाखों का माल बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। टीवी 100 के लिए नरेंद्र नगर से पंकज कुमार की रिपोर्ट।